नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउटेड मूंग की चाट, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसी के साथ यदि आप डाइटिंग पे हैं और उस समय आपको कोई चटपटी चीज़ खाने का मन करे, तो इस तरह की आप चाट बना के खाएं, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके अंदर जो एक ट्विस्ट के साथ मैं आपको बताऊँगी, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए स्प्राउटेड मूंग की चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने मूंग को स्प्राउट कर लिया है। मूंग को स्प्राउट करने के लिए हमने तीन सबसे आसान तरीके हमारे चैनल पर हमने बताया है, जो पापा मम्मी किचन पर आप जाकर के देख सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हमने मूंग को इस बोतल में उगाया है और हमने लीफ निकलने तक उगाया है, क्योंकि हमारे को इसके अंदर लीफ की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इसको 6 दिन में लीफ लगभग निकल जाती है, तो लीफ उगने तक उगाया है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर किस तरह से लीफ निकल आती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए हमारे मूंग के अंदर से लीफ निकल आई है। मूंग बहुत अच्छे से उग के तैयार हुआ है, स्प्राउट बहुत अच्छा हुआ है। अभी हम इस बोतल को कट करके इसमें से मूंग बाहर निकालें। इस स्प्राउट्स को बाहर निकालने के लिए हम इधर से इसका मुँह खोल कर बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये अंदर एकदम से पैक हो गए हैं। इसको हमें काट के निकालना पड़ेगा, तो इसको हम इस तरह से काट लेंगे बोतल को। अब इस बोतल को हमें ऐसे इस तरह से लंबा भी काटना पड़ेगा। ये पूरे स्प्राउट हमारे बाहर आ गए, तो प्लेट में निकाल देते हैं, ये आसानी से बाहर निकल जाएंगे। सभी स्प्राउट को हमने बाहर निकाल लिया, बहुत अच्छे स्प्राउट हमारे तैयार हुए हैं। अब इन स्प्राउट में से जो पत्ते छोटे छोटे निकल आए हैं, इन पत्तों को अलग से हम ऐड करने के लिए इन पत्तों को हम निकाल लेंगे। निकालने में हमारे को टाइम तो थोड़ा लगेगा, पर इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से हम पत्तों को तोड़ करके अलग करके रख देंगे, ऐसे बहुत अच्छे पत्ते निकले इसमें से। आप देख सकते हैं, दिखने में भी पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। इन सब पत्तों को हम अलग ऐसे करके रख देंगे। इसमें टाइम तो लगता है, पर पत्ते दिखते बहुत सुंदर हैं। सभी स्प्राउट्स में से हमने पत्तियाँ अलग कर ली है और एक कप हमने स्प्राउट लिया है जिसकी हम चाट बना लेंगे। एक कप जो हमने स्प्राउट लिए हैं उसे हम छोटे छोटे पीस में काट देंगे। इसे छोटा या बड़ा कोई भी पीस में काट सकते हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप काट सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में जो जड़ें निकल आई है वो एकदम कच्ची है, खाने में बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी हेल्दी भी है। ये हमने सभी जड़ों को हमने लगभग काट लिया है स्प्राउट्स को, और इसको एक बाउल में ले लेते हैं। अभी इसमें चाट बनाने के लिए हम अलग अलग सब्जियां ऐड करते हैं। इसमें हम आधा टमाटर काट के रखा है छोटा छोटा पीस में, इसमें डाल देते हैं, और आधा ही हम प्याज लगभग इसमें डाल देते हैं। काकड़ी हमने एक काट के रखी है, इसको इसमें डाल देते हैं पूरा। और क्वार्टर कप हमने ये मक्की के दाने हैं वो भी इसमें डाल देते हैं। एक मिर्ची को हमने काट के रखा छोटा छोटा, वो भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा धनिया इसमें डाल देते हैं। अभी इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची डाल रहे हैं। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे हमने हरी मिर्ची इसमें डाली है, उसका तीखापन इसमें आ जाता है। ये हमने 1/2 चम्मच इसमें भुना हुआ जीरा डाला है, और 1/4 चम्मच हम इसमें काला नमक डाल रहे हैं। हरे धनिया की चटनी हम इसमें डाल रहे हैं। यदि आपको तीखा पसंद है ज़्यादा तो इस पर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम मीठी चटनी डाल रहे हैं। यदि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अभी सभी मसालों को इसमें अच्छे से हिला देंगे। ये स्प्राउट की चाट है। जब आप डाइटिंग पे हैं उस समय इस तरह की चाट बना के खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि डाइटिंग के समय ज़्यादा घी तेल भी नहीं खाते हैं, और ये काफ़ी हेल्दी चाट बन के तैयार हुई है। अभी इसमें जो हमने पत्तियाँ तोड़ के रखी थी स्प्राउट के ऊपर से, वो भी थोड़ा इसके ऊपर भुरका देते हैं। यदि आप चाहें तो इसके ऊपर छोटी महीन सेव, जो नाइलॉन सेव होते हैं, वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। काफ़ी अजीब, हमने हेल्दी बनाया है इसीलिए हम इसके ऊपर सेव नहीं डाल रहे हैं। अभी लास्ट में इसमें हम चाट मसाला थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं।
और इसको अच्छे से हिला देते हैं। चाट मसाला जब डालते हैं तो इसमें चाट के अंदर इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये हमारी चाट अभी सर्व करने के लिए तैयार है। ये हमारी स्प्रोटेड मूंग की चाट बनके तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। इसके साथ ही हमने जो इसमें चटनी, चाट मसाला और मीठी चटनी यूज़ की है उसकी रेसिपी हमारे पापा मम्मी किचन पर अवेलेबल है, उधर जाके आप देख सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।